इससे पहले के वीडियो में हमने माकूस तगयुर की तारीफ और तगयुर की अलामत का इस्तेमाल करके मिसालें किस तरह लिखते हैं ये सीखे। आइए हम माकूस तगयुर पर कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर एक, पी ए यू के माकूस तगयुर में है। अगर पी बराबर 15 हो तब क्यू बराबर 4 होता है, तो तगयुर का मुस्तकी के और तगयुर की मसावा मालूम कीजिए। हल, हम जानते हैं कि पी ये क्यू के माकूस तगयुर में है, इसलिए पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इस तरह लिखा जाएगा, यानी पी क्यू के माकूस तगयुर में है। हम जानते हैं कि पी और क्यू अगर दो आजाद हैं, तो माकूस तगयुर की जो मसावात होगी वो पी ज़र्ब क्यू इज इक्वल टू के होती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पी बराबर 15 हो तब क्यू बराबर 4 होता है, इसलिए इस मसावात में हम पी और क्यू की कीमत रखेंगे। इसलिए P की कीमत 15 ज़र्ब Q की कीमत 4 बराबर K, यानी 15 को 4 से ज़र्ब करेंगे हम तो K इज इक्वल टू, यानी K बराबर 15 चौक 60 हासिल होंगे, यानी तगयुर का मुस्तकिल A की कीमत 60 हासिल होती है। इसी तरह तगयुर की मसावात हासिल करने के लिए हम तगयुर की मसावात दो बार लिखेंगे, यानी पी ज़र्ब क्यू बराबर के लिखेंगे। इस मसावात में सिर्फ हमें के की कीमत रखना है, इसलिए पी ज़र्ब क्यू बराबर 60, और यही तगयुर की मसावात हासिल होगी। मिसाल नंबर दो, सेबों की पेटी में 24 सेब रखे तो इसे भरने के लिए 27 पेटियां दरकार होती हैं। अगर हर पेटी में 36 सेब रखे तो कितनी पेटियां दरकार होगी। हल, यहां पर सेबों की तादाद और पेटियों के दरमियान माकूस तगयुर है, तो हम पहले फर्ज कर लेते हैं। फर्ज करो कि सेबों की तादाद x और पेटियों की तादाद y, यानी सेबों की तादाद और पेटियों की तादाद के दरमियान माकूस तगयुर है, इसलिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी x y के माकूस तगयुर में है। और हम जानते हैं कि माकूस तगयुर की मसावात क्या होगी, यानी x ज़र्ब y बराबर के होगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि सेबों की 24 सेब अगर है तो 27 पेटियां दरकार होती है, यानी x बराबर 24 तब y बराबर 27 होता है, यानी इस मसावात में हम x की कीमत और y की कीमत रखेंगे, इसलिए x की कीमत 24 ज़र्ब y की कीमत 27 बराबर k, इसलिए k बराबर 24 को 27 से अगर हम ज़र्ब करें तो हमें 648 हासिल होते हैं, यानी तगयुर का मुस्तकिल k की कीमत 648 हासिल होती है। इसी तरह दोबारा हम तगयुर की मसावात लिखेंगे, यानी x ज़र्ब y बराबर k। इसी तरह जो है 24 सेब हो तो 27 पेटियां दरकार होती हैं, और अगर 36 सेब हो तो कितनी पेटियां दरकार होगी, यानी यहाँ पर x की कीमत 36 और
के की कीमत हम मालूम कर चुके 648, तब y बराबर कितना, यानी यहाँ पर हम x की कीमत 36 जरूर, y की कीमत हमें मालूम करना है इसलिए y, और k की कीमत 648, इसलिए y बराबर 648 बटे 36, इसलिए y बराबर यहाँ पर 648 को हम अगर 36 से तकसीम करते हैं तो हमें 18 हासिल होते हैं। यानी अगर सेब 36 हो, सेबों की तादाद 36 हो तो कुल 18 पेटियां दरकार होंगी, इसलिए 36 सेब के लिए 18 पेटियां दरकार होगी। इस तरह प्यारे बच्चों हम माकूस तगैयुर पर भी मिसालें हल कर सकते हैं।